नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पर क्लब में। दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं, कितने फंड की ज़रूरत होती है। कि देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रक्चर बिजनेस का तैयार करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इन्वेस्टमेंट एक बात की चीज़ है, उसकी प्लानिंग, थिंकिंग, रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर क्लियरली बात करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करना, सबसे पहले कोई भी जो बंदा होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके माइंड में पहले से एक प्लान फिक्स होता है कि हाँ, मुझे जो बिजनेस करना है वो क्या बिजनेस करना है। ऑलरेडी माइंड सेट होता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं बताऊंगा आपको कि आप ये बिजनेस करिए तो वो आपकी पसंद नहीं है। कहते हैं ना, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दीजिए और प्रोफेशन से आप प्रॉफिट कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक गूगल द्वारा दिया गया एक लाइन है जो कि बहुत अच्छी है, मैं भी इससे इम्प्रेस हुआ हूँ। तो मैं आज मेनली बात करूँगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आप कैसे घर बैठे बैठे बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं और वो भी बिना किसी खर्चे के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कहीं बाहर जाए हुए, और तुरंत कैसे आप बिजनेस सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम ऑफ बिजनेस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या हम हिंदी में संस्था कहते हैं, वो है MSME। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मेनली जो छोटे उद्योग हैं और मीडियम उद्योग हैं, उनके लिए एजेंसी बनाई गई है। उनको रजिस्ट्रेशन करना, उनको बिजनेस सपोर्ट करने के लिए ये एजेंसी लाई गई है, जो कि अब तक का 6552 करोड़ रुपए का फंड कलेक्ट कर चुकी है। ये एजेंसी जो आई है ना, इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में बना हुआ है। ये लोगों को सर्विस देती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, msme.gov.in नाम से इसकी वेबसाइट है। तो ये लोगों को सर्विस देती है कि अगर आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना है, अगर आप अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो केवल अपने आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तुरंत अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट ले सकते हो। थोड़े से स्टेप में आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसकी भी हम चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले MSME की वेबसाइट पर आपको जाना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूंगा। वेबसाइट के पर जाने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद ओके करते ही जब आपका आधार कार्ड सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट होने के बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, जो कि एक ही बार फ़ोन पर जाता है, उसे एक बार यूज कर सकते हैं। तो जब OTP जाएगा उस नंबर पे, आपको वो OTP उसमें डाल देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपने बिजनेस की डिटेल, अपनी डिटेल, अपना बैंक अकाउंट, अपना पैन कार्ड, सारी डिटेल भरनी है। नॉर्मल फॉर्म होता है, वो हर कोई भर सकता है, आप भी इजीली भर लोगे। फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मेल पर आपका सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब MSME के थ्रू अगर आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप किसी भी बैंक से मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।